अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 16.4 पर। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने सॉल्व कर ली है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है रिलेटिंग 9 इंटीग्रल इन द प्लेन। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, अप्लाई करना है ग्रीन थ्योरम। अब इन्होंने ऑलरेडी हमें क्या गिवन होगा, इन्होंने हमें दिया क्या है इंटीग्रेशन में, तो हम लोग इनसे इसी इंटीग्रेशन से ये चीज़ें सॉल्व करेंगे एंड साथ में जो है लिमिट्स भी गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट हमें कौन सी प्लेलिस्ट, कौन से चैप्टर की, या फिर अगर कोई न्यू बुक है जो आप लोग पढ़ रहे हैं अपने कोर्सेज में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फिर मुझे बताइएगा कौन सी न्यू बुक हमें स्टार्ट करनी चाहिए मैथ्स की, या फिर कौन सा न्यू चैप्टर हमें थॉमस कैलकुलस का स्टार्ट करना चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट करते हैं अपनी सॉल्यूशन। से यहाँ पर हमें देखिए हमें गिवन है ये एंड साथ में हमें लिमिट्स गिवन है। तो लिमिट्स से किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 15 में, बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस हमारे पास है ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड डी वाई। एक दफ़ा कन्फर्म कर लेती हूँ, हाँ सही है सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग एम निकालेंगे। हमें पता है कि एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास ये है, तो एम हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर एंड एन क्या है, एन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सही है ना। अगर हम लोग अब बात करें डी एक्स और डी वाई की, सो हमें फाइंड करना होगा डी एक्स एंड डी वाई। सो यहाँ पर अगर हम लोग डी एक्स को ले लें, ठीक है ना। सो अगर एक्स को हम लोग करेंगे क्या, डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स का, सो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा टू एक्स, सही है ना। बल्कि यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं, हम लोग पार्शियल निकालेंगे, ठीक है, पार्शियली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एम बाय पार्शियल क्या निकालेंगे, पार्शियल y निकालेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा। एंड अगर यहाँ की बात कर रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम लोग, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैम ने ये पार्शियल m और पार्शियल n क्यों निकाला, यहाँ पर तो हमें डी एक्स डी वाई गिवन है। अब इसकी जो बात है वो हम लोग बताते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, अगर आपको ये थ्योरम नंबर याद हो, थ्योरम नंबर 4, तो उसमें हमारे पास ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 क्या होता है। इसका पार्ट 2 था हमारे पास डबल इंटीग्रेशन विद रीजन एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड साथ में डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। सो हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, हम लोग उसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड फाइंड करेंगे, ठीक है। सो होप क्या आपको पता चल गया होगा कि इसमें कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेंगे इस थ्योरम का। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा थ्योरम है। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस है मतलब थ्योरम नंबर 4 यूज़ हो रहा है, यानी सर्कुलेशन वाला थ्योरम यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स वाला जो फॉर्मूला है यानी थ्योरम नंबर 3, हम लोग वो यूज़ करते, ठीक है। तो प्लस और माइनस से आपको सर्कुलेशन और फ्लक्स का पता चलेगा, सो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो अब हम लोग ये यूज़ करेंगे ना। अगर यहाँ पर हम लोग देख लें कि हमारे पास जो है लिमिट्स क्या बनेंगी, सो देखिए यहाँ पर लिमिट्स गिवन है, इसी से हम लोग लिमिट्स बनाएंगे, जिसका तरीका मैं ऑलरेडी पीछे वीडियोस में बता चुकी हूँ। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हमारे पास 0 से 1 हो जाएगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2x, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइनस 2y एंड साथ में हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y। और जैसे हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास फिर से वेरिएबल वैल्यू आ गई है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी ऑफ वाई एंड देन डी ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 लिमिट एंड यहाँ पर हम लोग डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2xy एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास डी ऑफ एक्स बचा। लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास 0 एंड 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो हम लोग ये चीज़ें पुट कर देंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, इनको मैं इरेज कर देती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको मैं ऊपर वापस लिख देती हूँ।
सो हमारे पास क्या था, डबल इंटीग्रेशन 0 से 1, एंड साथ में मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ गई, वैल्यू आ गई यहाँ पर मेरे पास 2xy माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बिकॉज 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट क्या थी हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स, एंड साथ में रह जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 0 से 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, साथ में डी ऑफ एक्स, अब विद डी ऑफ इस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, और लास्ट में लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से 1 हमारे पास लिमिट हो जाएगी। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। सही है, आगे बढ़ते हैं, इस वजह हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1, ये 1, ये माइनस 1। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। सो देखिए हमारे पास माइनस इंटू माइनस माइनस 2 हो जाएगा, एंड प्लस 2 एंड माइनस 2 हमारे पास कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पर, अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, एंड इसमें हमें क्या क्या दिया गई है, लिमिट हमारे पास 0 से पाए एंड 0 से साइन एक्स गिवन है। सो हमें यहाँ पर ज़्यादा लिमिट्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड अगर लिमिट्स पे काम होता भी तो बहुत थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एम क्या है, एम है हमारे पास 3y, एंड एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 2x है। ना वही हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल जो है निकालेंगे, पार्शियल एम वाई, तो ये हो जाएगा पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई, से ये हो जाएगा हमारे पास 3, एंड पार्शियल एन बाई पार्शियल ऑफ एक्स निकालेंगे, से हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, सो हमने वैल्यूज निकाली, हम यहाँ पर पुट करेंगे। इस फॉर्मूले का हमारे पास जो है दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब हमें क्या करना है, उसमें काम करना है। सो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन विद रीजन, ये हो जाएगा पार्शियल एम बाई पार्शियल ऑफ एक्स, पार्शियल एन है, एंड माइनस पार्शियल एम बाई पार्शियल ऑफ वाई, साथ में डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। ठीक है, सो अगर यहाँ पर देखें, हमने फार्मूला पुट कर लिया है, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मूला किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला है हमारे पास, अगर यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस है, और प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास सर्कुलेशन के फार्मूले में आता है, जो कि हमारे पास फार्मूला नंबर मतलब थ्योरम नंबर 4 है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज़ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने लिख लिया है, जो कि हमारे पास रीजन वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिमिट, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई हो जाएगा हमारे पास, एंड देन दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से साइन ऑफ एक्स हो जाएगी। सही है, अब पार्शियल एन एक्स की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 2 माइनस 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, दोनों को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 0 से पाई, एंड ये हो जाएगा 0 से साइन, एंड ये हो जाएगा माइनस 1 डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलिए आगे चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, 0 से पाई हो जाएगा, एंड हमें पता है कि माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा, हम लोग दोबारा से, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले हम लोग डी ऑफ वाई लेंगे, देन डी ऑफ एक्स लेंगे, बिकॉज हमारे पास उधर क्या है, एक्स गिवन है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाए, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर से वाई आएगा, वाई की लिमिट क्या है, 0 से साइन ऑफ एक्स, एंड साथ में डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाए, एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस 0, सो 0 ही आएगा, डजंट मैटर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, साइन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, सो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ में लिमिट क्या है, 0 से पाई है, 0 और पाई पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज माइनस 2, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, एंड दिस ऑल। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें वो माइनस जो है वो यहाँ पर बाहर रहेगा, सही है ना, तो इसको भी सॉल्यूशन में डालना है। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर अगेन हमें सर्कल गिवन था, ठीक है ना, नीचे हमें गिवन है रीजन में कि सर्कल है जो कि हमारे पास 4 के इक्वल है,
फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास m क्या है, m है हमारे पास 6y प्लस x, एंड n जो है, n हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास y प्लस 2x, ठीक है। नाउ यहाँ पर फिर से हम लोग निकाल लेंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6, एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x निकाल लेंगे, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, सो इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं जो कि हमारे पास है विद रीजन, और ये हो जाएगा हमारे पास फिर से प्लस में है, प्लस में हमारे पास माइनस क्या हो जाता है, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y, सही। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का रीजन, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 6 एंड d ऑफ x एंड d ऑफ y, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, सो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा हमारे पास माइनस 4 साथ में डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, और अगर हम लोग देखें तो माइनस 4 हो जाएगा, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 4 पाई होता है, तो माइनस 4 और 4 पाई को अच्छे ऊपर चलते हैं, यहाँ पर नहीं होगा सही से, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 और एरिया है हमारे पास, एरिया 4 पाई होता है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16 पाई, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, सो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ गए हैं, एंड यहाँ पर अगर हम देखें सो हमें गिवन है m और n, तो m हम लोग लिख देते हैं, m हमारे पास क्या है, m है हमारे पास 2x प्लस y स्क्वायर, एंड n क्या है, n है हमारे पास 2xy प्लस 3 ऑफ y, सही है। तो पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे, अब तो हमें ये जो वैल्यूज हैं ये पता ज़्यादातर याद हो चुकी हैं कि हमारे पास क्या क्या फाइंड होगा एंड हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ y, एंड देन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो 2 ऑफ y दोनों सेम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड जो हमारे पास पार्ट है थ्योरम का वो लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y साथ में d ऑफ x d ऑफ y। नाउ आगे बढ़ते हैं, डबल रीजन है हमारे पास, सॉरी डबल इंटीग्रेशन विद रीजन है हमारे पास, ये हो जाएगा 2y माइनस 2y एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स डी ऑफ y, एंड डबल इंटीग्रेशन विद रीजन r एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स डी ऑफ y, एंड जैसे कि आपको पता है 0 आ जाता है इंटीग्रेशन में, सो होल इंटीग्रेशन विल बी 0, और दैट्स ऑल, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो सॉल्व हो गया है। तो होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड लाइक भी कर दिया होगा, अच्छे से कमेंट भी कर दिया होगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये ऐसी एक्सरसाइज है जो किसी को नहीं मिलती, मतलब ये किसी ने करवाई नहीं है, सो फिर हर जो स्टूडेंट होता है उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है इन चीज़ों में। तो होप कि आपने क्लास फेलोज के साथ एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोर क्वेश्चन मोर प्रॉब्लम मोर सोल्यूशन एंड मोर मोर मोर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड ऑफकोर्स आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी है मैथ्स की, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।